आ गया ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर वन, इन द फिगर बिलो पी एंड क्यू आर टू इक्वली इंटेंस करंट सोर्सेस। ये पी एंड क्यू ये बी पॉइंट है, ये ए और ये बी है। टू इक्वली इंटेंस करंट सोर्सेस एमिटिंग रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 20 मीटर, यानी ये जो वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं वो 20 मीटर है। द सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू, और ये जो सेपरेशन दिया है ये 5 मीटर दिया हुआ है। एंड द फेज ऑफ पी इज अहेड ऑफ दैट ऑफ क्यू बाई, यानी ये 5/2 से आगे है पी जो है एस के क्यू के कंपैरिजन में। ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, द इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस एट ए बी सी विल बी इन द रेशियो। ये अपने को बताना है, ठीक है। ये सी है, तो पहले ए पॉइंट के लिए बात करेंगे। तो मान लो यहां से वेव गई, ये y1 है, यहां से वेव गई ये y2 है, तो 4 पॉइंट ए, मैं ए पॉइंट के लिए ले रहा हूं, बाकी का आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करिएगा। तो ए पॉइंट के लिए जब मैं जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, y1 को लिखूंगा मैं, दोनों की इंटेंसिटी यहाँ सेम है, इक्वली इंटेंस कहने का मतलब ये, तो एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लेते हैं कि एक्स चलता है तो फिर वाई टू कितना चलेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स चलेगा, जहाँ डेल्टा एक्स कितना हो गया, यहाँ 5 होगा, है ना। ए के लिए पार डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वाई टू इक्वल टू क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 5 नॉट लिखो, क्योंकि वो 5 नॉट से आगे है, यानी रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस a साइन ओमेगा t माइनस kx माइनस k डेल्टा x प्लस 5 नॉट, ये लिख लो पहले। सर वैसे पीछे PC1 में वो थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट कराना बाकी है शायद। हाँ वो मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग आज अगर ये हो गया तो मैं वो करवाऊंगा इलास्टिसिटी पहले, क्योंकि वो आपके बोर्ड का पार्ट भी है ना, है ना। वैसे तो वो भी करवाऊंगा मैं, थर्मो वाला भी, हो सके तो ये वीक में ही करवा देना क्योंकि संडे को टेस्ट। हाँ इस वीक में करवा दूंगा मैं, इस वीक में एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूंगा, ठीक है सर। तो एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पहले बता दूंगा। ये लिख लिया, इसी कॉन्सेप्ट का और बी और सी के लिए भी ले लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा, देखो यहाँ फेज डिफरेंस यानी फाई की अगर मैं बात करूं तो फाइव कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो फाइव आ रहा दरअसल उसमें से इसको सेपरेट करो या उसमें, है ना, तो जाएगा के डेल्टा एक्स माइनस 5 नॉट,
यानी ये होगा। तो हमारे पास के, के मतलब क्या होता है, 2π/λ होता है, जहाँ लेमड़ा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, ठीक है, लिख लिया ने, फिर कर दो ऊपर वाला पार्ट। तुम्हारे पास आ जाएगा फाई इक्वल टू होगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स माइनस ये हो गया हमारे पास में पाई बाई टू, तो 2π/λ, लेमड़ा कितना है 20, डेल्टा एक्स यानी पार डिफरेंस इन दोनों के बीच में 5 है, तो माइनस पाई बाई टू, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये तो जीरो आ गया। जीरो मतलब फाइव जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4I0 हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं कि इसकी वजह से भी I0 इंटेंसिटी है और इसकी वजह से भी I0 है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, दोनों की सेम है क्योंकि फाइव जीरो आ रहा है। ये तो आप यहाँ से देख लो, ये फॉर्मूला हमारे पास में आई इक्वल टू I0 + I0 + 2I0 cos 0 कितना हो गया, 4I0 हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन वैसे भी मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, तो एक निकाल लिया उसी से बात बन गई है। तो फर्स्ट का आंसर क्या दिया देखते हैं, फर्स्ट का आंसर बी, फर्स्ट का आंसर तो गलत दिया इसमें, इसका आंसर क्या है, हाँ मतलब 4I0 है तो देखना पड़ेगा बी का, मैंने तो उसी मार से तुक्का मारा था, तो इसका वाला सॉल्व करना पड़ेगा भाई बी के लिए। कर लोगे इसी कॉन्सेप्ट से, इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास में ए पर, 4I0 आ गई है, बी का भी दिखा दूं, चलो बी का भी लिख लो इसको, पहले पूरा सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना शीट में दिया हुआ है, अपनी शीट का क्वेश्चन था ये, और ये इसी बार आया था ना सितंबर में, शीट का क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था। तो चलो बी का ही बता देता हूँ मैं, बी का देखो पार्ट डिफरेंस क्या है यहाँ, तो बी का पार्ट डिफरेंस अगर देखे डेल्टा एक्स तो जीरो ही है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, फाई का आ रहा है ना, फाई बाई टू का आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी के लिए। तो पॉइंट बी के लिए अगर जाएंगे तो फाई तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, फाई नॉट ही आ जाएगा, तो वो पाई बाई टू है, तो I0 + I0 + 2I0 और ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, तो ये तो आई ए आ गया, तो आई बी कितना आ गया देखो यहाँ, आई बी 2I0 आ गया, ठीक है, तो आ जाएगा ऐसे करेंगे। उसी तरह सी के लिए चले जाओ तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू लिख लिया, हाँ सर, एक मिनट सर। लिख, वो जो क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको सॉल्व किया आप लोगों ने, किसी से भी नहीं हुआ वो, लिख लिया ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ साउंड S1 S2 अपने को दिया हुआ है, प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ इन फेज, S1 S2 आर प्लेस्ड 1.5 मीटर अपार्ट, अ लिसनर लोकेटेड एट L डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ S2 फाइंड दैट द इंटेंसिटी इज एट मिनिमम व्हेन ही इज 2 मीटर अवे फ्रॉम S2।
द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम एस वन कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम एस टू फिक्स द एडजस्टेंट मैक्सिमम ऑफ इंटेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द लिसनर इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एस वन देन डी इज. तो हो क्या रहा है दरअसल, यहाँ जो 2 मीटर अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसा दिया हुआ, देखो सॉरी ये S2 है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी बता रहा है. इसका मतलब यहाँ से वेव जा रही है Y2 और यहाँ से भी वेव आ रही है Y1. तो इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है, ठीक है. तो वो हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये यानी S2 के रेस्पेक्ट में हमेशा ऐसे जा रहा है. यानी ये इक्वल डिस्टेंस पर है हमेशा यहाँ से. यानी अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है. तो पहले तो ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इस पॉइंट L की ये डिस्टेंस कितना है. कौन बताएगा, कितना हो गया 4 + 2.25 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा ये 2.5 आ जाएगा. 2.5 है ना. तो यहाँ का पार्ट डिफरेंस देख लो आप. तो पार्ट डिफरेंस यहाँ का कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स के लिए बात करेंगे तो 2.5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है ना. अब ये पार्ट डिफरेंस क्योंकि यहाँ मिनिमम मिल रहा है, तो मिनिमम क्या होता है, यानी 2 - 1 इंटू लेमडा बाई 2 इसके करस्पॉन्ड, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं. तो नेक्स्ट जो मैक्सिमा जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 है ना. तो यहाँ मिनिमा है, इसका मतलब नेक्स्ट इसने ये कहा मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है व्हेन दिस अवे द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम एस वन कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम एस टू फिक्स द एडजस्टेंट मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी बताना है. एडजस्टेंट तो इसका मतलब आपको ये मालूम है कि 0 λ, 2 λ, 3 λ यहाँ बीच में मिनिमा का क्या होता है, लेमडा बाई 2 या 3 λ/2. यानी अगर यहाँ मिनिमा आया है, इसका मतलब मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए ना. तो यहाँ से अपने को कितना दिया है, 0.5 दिया है और लेमडा की वैल्यू कितना, 1 दिया हुआ है. तो अल्टीमेटली एन लेमडा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, यानी 0.5 + 0.5 यानी 1 आ गया है ना. ये पार्ट डिफरेंस है किसके लिए, इसके लिए. तो अगर ये डी ए मान लो है ना, तो वहां का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, वहां का पार्ट डिफरेंस होगा d - 2 ना, है ना. और वो एन लेमडा है और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1. तो d की वैल्यू जो 3 आ रही, क्या दिया आंसर, इसमें नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ मालूम है अगर किसी ने देखा हो तो. हाँ सर, d 3 मिनट. समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर, समझ. तो ऐसे करना होगा. नेक्स्ट लिख लो इसको. तो ये मिनिमा के लिए था, तो नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए था. और लैम्डा आप यहाँ दे रखा 1 मीटर है, लिख लिया. हाँ सर. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन। On a hot summer night, the refract index of air is smallest near the ground and increases with height from the ground. When a light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude that at its travels the light beam. तो होता है क्या दरअसल यहाँ hot होने की वजह से, क्योंकि surface सबसे ज्यादा hot होता है, तो यहाँ कि जो एयर है ना ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जब जाती है तो रिफ्रेक्ट इंडेक्स क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज करता है, रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऐसे डिक्रीज करता जाता है। तो ऐसे लेयर्स बनी है मान लो, ऐसे कंटिन्यूटी में रहता है रिफ्रेक्ट इंडेक्स, ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज में नहीं रहता है। तो आप देख रहे हो कि रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऊपर इंक्रीज करता जा रहा है। तो मान लो अगर ये बीम जा रही है ऐसे, मान लो बीम ऐसे आ रही है, तो मान लो यहां से एंटर करती है बीम हॉरिजॉन्टली, है ना। तो आप यहां देखो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट सेम टाइम में कम चलेगा ना, ये थोड़ा ज्यादा चलेगा। रिफ्रेक्ट इंडेक्स कम है तो ज्यादा, सॉरी रिफ्रेक्ट इंडेक्स क्या है नीचे की साइड में कम है, तो है ना, तो थोड़ा ज्यादा चलेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी, और ये और ये और ज्यादा चलेगा एक तरह से, है ना। तो अब आपको मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। वेव फ्रंट जो होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा रे के, है ना। इसका मतलब है कि ये ऐसे बेंड कर जाएगी ऊपर की तरफ, ये आंसर है। आई बात सुनमें, तो ऐसे यानी बेंड्स डाउनवर्ड्स नहीं, बेंड्स अपवर्ड्स भी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है सेवन। सर जो आपने क्वेश्चन भेजा था वो भी कर दो, ये पॉइंट लेना भाई क्वेश्चन। हाँ बोलिए बताइए। सर जो आपने क्वेश्चन भेजा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो भी कर दो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सर आपने क्वेश्चन भेजा था ना एक ग्रुप पे, तो कल डिस्कस किया था ना, तो मैंने तो कल ही डिस्कस कर लिया था, मैंने कल ही पूछा था तो कल ही डिस्कस कर लिया था वो। मेरा शायद अभी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एट पी due to superposition of two rays coming out from a source S as shown in the figure, yani aisa diya hua hai, ye point P hai, ye 2L hai, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एट पी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू रेस कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स एस एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ अच्छा एल ए फॉर व्हिच मैक्सिमा इज ऑब्टेंड एट पी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 12 है, तो हो क्या रहा है यहाँ, लाइट यहाँ से आएगी और ऐसे जा रही है, ये कह रहा है कि मैक्सिमा होना चाहिए, है ना। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेंड एट पी आर इज परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं उस दिन भी बोल रहा था कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो या प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो, तो ये जो रे आ रही है इसमें लेमडा बाई टू एड हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो लेंथ यहाँ एल है ना, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो यानी ये लेंथ हम बता सकते हैं, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये होता है दरअसल एल बाई, ये लेंथ मान लेता हूँ मैं कैपिटल एल है मान लो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस 30 हो जाएगा, यानी एल इक्वल टू, यानी ये क्या हो गया हमारे पास में रूट थ्री बाई टू, तो अल्टीमेटली टू एल बाई
रूट थ्री आ गया, तो यानी ओ से पहले ओ से क्यू भी मान लेते हैं, तो मतलब सॉरी एस से क्यू और क्यू से पी, और यानी इसका मतलब है कि आप पार्ट डिफरेंस कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस क्यू पी माइनस एस पी, एस क्यू पी मतलब 2L प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस 2L, ये हमारे पास में डेल्टा एक्स आ जाएगा। ओके ले रहे भाई सबको, तो ये पार्ट डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें लैम्डा बाई 2 और ऐड करोगे आप, तो L की वैल्यू अपने को पता है, तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2L बाई रूट 3 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस 2L। अच्छा इसका और कुछ दिया नहीं, तो मैक्सिमा की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। अब n की कौन सी वैल्यू ले, तो ये तो ऐसा कुछ बताया नहीं इसने कौन सी वैल्यू लेना है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लो आप, फिर n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर लो, उस हिसाब से आंसर मैच करा लो आप। आगे बात सुन में कर लोगे, क्योंकि इसने बोला नहीं कि इसने ही नहीं कहा कि कौन सा, वो तो कोई भी हो सकता है यहाँ, इसलिए या तो n की वैल्यू 1 के लिए देख लो, कर लोगे आप, है ना, जो मैच कर जाए वही आंसर है। ठीक, मेरे ख्याल से n इक्वल टू 1 के लिए मैच कर जाना चाहिए, कर लीजिएगा आ जाएगा, लिख लो इसको। अच्छा इसमें एक चीज मेरे भी दिमाग से निकल गई थी, जब इनकोरेंट सोर्सेस होते हैं ना, जैसे अभी समझाता हूँ मैं आपको, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। हम जो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इंटरफेरेंस में, तो आपने देखा कि एक जगह इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है, एक जगह मैक्सिमम हो जा रही है। अभी आप देखोगे एक्चुअली में, क्योंकि दोनों सेट से जो इंटेंसिटी आ रही हो, तो I1 I2 आ रही होती है, तो एक जगह क्या हो जाती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, दूसरी जगह हो जाती है मैक्सिमम रेट, तो दूसरी जगह मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना, ये इंटेंसिटी हमारे पास हो जाती है। लेकिन अगर दोनों को अगर आप एवरेज निकालो, तो आप देखोगे कि वो इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, दरअसल I1 प्लस I2 हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ भी आपको, तो इनकोरेंट सोर्सेस में जब भी इंटेंसिटी लेनी होती है, तो वो I1 प्लस I2 लेनी होती है दरअसल। हाँ चले आगे। हाँ सर, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का समझाता हूँ मैं आपको, हो क्या रहा है यहाँ, नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे इसकी बात करता हूँ मैं आपको, पहले मान लो ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है ना, तो हमने देखा कि स्क्रीन पर अपने को मिनिमम मैक्सिमम मिलता है ना, यहाँ मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमा होता है ना, फिर मैक्सिमा है, फिर इधर मिनिमा है, ऐसे मिलता है ना। तुम्हारे पास इंटेंसिटी क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi होता है। अगर मान लो मैं इसकी एवरेज निकाल लूँ, एवरेज कैसे, मतलब I d phi 0 से 2 पाई डिवाइड बाई 0 से 2 पाई डी फाई, इसके एवरेज इंटेंसिटी अगर मैं निकालता हूं यहाँ, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में बात करेंगे हम लोग, इसको उसके बाद तो रिपीट होने लगेगा, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली मालूम कितना आ जाता है, ये I1 प्लस I2 आ जाता है, इसके एवरेज वैल्यू जो है वो I1 प्लस I2 आ जाता है।
आगे भाषण में, इसका मतलब ये हुआ, तभी तो हम बोल रहे हैं एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तभी तो एक जगह मैक्सिमम मिल रहा है एक जगह मिनिमम मिल रहा है। तो इन दोनों का जब आप निकालोगे, किस किस का निकाला, जैसे मैंने यहाँ जैसे मिनिमा और ये साथ में ले लिया मैंने, है ना, या ये साथ में ले लो आप, कौन कौन को साथ में ले लिया, ये और ये साथ में ले लिया मान लो आपने, तो आपको I1 प्लस I2 मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन इंटरफेरेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो मैंने वो बताया कि वो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम ही हो रहा है ना। लेकिन ये तो, और ये तो वैसे भी करंट सोर्सेस थे, लेकिन अगर मैं कहूँ इन करंट, अभी फाइनल आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, केवल इन करंट के लिए लिख रहा हूं मैं, तो इन करंट अगर सोर्सेस है तो या जब भी इंटेंसिटी आप लिखोगे किसी भी पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी आपको I1 प्लस I2 ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। इन करंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी जो होती है वो I1 प्लस I2 लेना है। यानी अगर n सोर्सेस हैं, जैसे इसने कहा कि n आइडेंटिकल वेव्स है, तो यहाँ इस केस में जो इंटेंसिटी आप लिखोगे वो लिखोगे n I0, क्योंकि हर एक की इंटेंसिटी कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे है, तो n तक जाओगे, यानी I0 प्लस I0 प्लस I0 टेंड्स टू n, तो कितना हो गया n I0, यानी उस केस में इन करंट सोर्सेस के केस में टोटल जो इंटेंसिटी होगी वहां उस पॉइंट पर होगी n I0, ये लिख लो पहले। और ये जो ऊपर वाला है तो सिर्फ ये बताया मैंने कि यहाँ जो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में जो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो अल्टीमेटली दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो I1 प्लस I2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी इंटेंसिटी जो है वो I1 आ रही है और यहाँ से भी I2 आ रही है। ठीक, लिख लो ये पहले। लिख लिया, हाँ सर। लेकिन अगर मान लो ये n आइडेंटिकल सोर्सेस और इंटरफेयर कर रहे हैं तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो मतलब ये हुआ, देखो ये हमारे पास में n सोर्सेस हैं, है ना, और ये लास्ट डिस्टेंस पर हैं सबके सब, इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे और इस सब के सब जाके एक पॉइंट पर जाके सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ओके, तो अब आप देखो सबके बीच में पार डिफरेंस यहाँ ऑलमोस्ट क्या समझना है, नेग्लिजिबल, मतलब पार डिफरेंस जीरो है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो वैसे तो यहाँ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो यानी सबकी सब जो वेव्स है एक ही जगह से जनरेट हो रही, सबकी सब पैरेलल ही है, तो यानी इसकी जो वेव जाएगी उसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरे वाला भी वाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, तीसरा वाला भी ऐसे आएगा। तो आप देखो यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास में वाई क्या हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू, तो यानी ये आ जाएगा एक्चुअली एन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। और हमें मालूम है कि जो एक इंडिविजुअल की जो इंटेंसिटी है वाई नॉट इक्वल टू के स्क्वायर होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ I1 वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए का होल स्क्वायर, या I1 वन इक्वल टू हो जाएगा के एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू यानी एन स्क्वायर ए नॉट। तो ये एक करंट की वजह से आ गई, तो ये यही पूछ रहा था अपने से I1 वन बाई आई टू कितना है, तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर ए नॉट बाई एन, मतलब सॉरी ये I नॉट हो जाएगा ना, क्या कह रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा I नॉट हो जाएगा एन
I not by n I not, यानी आंसर आना चाहिए n, ये आंसर है। आगे बात सुन में, तो ये ऐसा है। तो लिख लीजिए। भाई लिख रहे हो ना, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 11 बताना है। चलिए 10 पे चलते हैं। सर एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। ट्वेल्थ ही बताना, बता दे। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है देखो, ये हमारे पास में स्लैब है, और ये नॉर्मल है, तो ये ए पॉइंटर, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी हुआ, तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। क्या कह रहा क्वेश्चन में, ये रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी आई है इसकी, इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल ग्लास स्लैब एट पॉइंट ए शोन इन द डायग्राम, इट अंडरगोस पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन, एट ईच रिफ्लेक्शन 25% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये कितना गया, आई बाई फोर गया, ये बी है, उसके बाद में ये लाइट एनर्जी आई, तो अंदर कितना गया, 3i/4 गया, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका कितना 1/4, यानी 3i/4 का 1/4 यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद में फिर से इसका कितना, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन जो कह रहा है, इसका 1/4 इंटू ये कितना हो गया, 3i/16 का 1/4 रिफ्लेक्ट हुआ, है ना, यानी इसका 3/4 ये बी डैश है, यहाँ से इसका कितना चला गया है, 3/4 इंटू 3i/16 गया। ओके फिर आगे क्या कह रहा है, द रेज ए बी एंड ए डैश बी डैश अंडरगोस इंटरफेरेंस, द रेशियो आई मैक्स एंड आई मिनिमम अपने को बताना है ना, ये जाके इंटरफेयर कर रही है, तो ये पॉइंट यहाँ ए डैश है ना, तो लेकिन ये भी नहीं बोला अपने से कि चलो कोई बात, आई मैक्स और आई मिनिमम ही तो बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हमारे पास में मान लेते हैं आई वन है और ये मान लेते हैं आई टू है, और आई मिनिमम कितना होगा, तो रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, तो रख दो, तो पहले ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आई बाई फोर का स्क्वायर रूट प्लस ये कितना हो गया 9i/64 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि मैक्सिमम बाई मिनिमम पूछ रहा है, तो आई बाई फोर माइनस रूट 9i/64 का स्क्वायर, सॉल्व करो। तो देखो यहां से रूट आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये अपने को आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना था, तो कितना आ गया देखो, आई मैक्स बाई
आई मिनिमम, तो यह मिलेगा 1/2 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर है, यहाँ 1/2 माइनस 3/8 का होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 7, 7/8 का होल स्क्वायर बाई ऊपर नीचे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ आ गया 1/8 का होल स्क्वायर, यानी आ गया 49, 49/1 आ गया आंसर, ये करना था। बात समझ में आ गई? हाँ सर, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टू कोरेंट प्लेन लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड मेक्स स्मॉल एंगल अल्फा विद ईच अदर। अच्छा, they fall almost normally on a screen. If lambda is the wavelength of light waves, the fringe width delta x of interference pattern of the two sets of waves on the screen is. तो वो क्या रहा है, मान लो यहाँ ये मान लो यहाँ जाके waves आ रही है, ये waves आ रही है, ये दोनों के बीच में एंगल जो है अल्फा है, और ये मान लेते हैं डी है, और ये लैम्ब्डा, ये कैपिटल डी है, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्ब्डा कैपिटल डी बाई डी होता है ना। लेकिन टू कोरेंट प्लेन लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड मेक्स एन स्मॉल एंगल अल्फा विद ईच अदर, दे फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन स्क्रीन, लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स, the fringe width of interference pattern of the two sets of waves on the screen is. तो यहाँ देखो आप, अगर ये अल्फा है तो d equal to क्या होगा, d into अल्फा, यानी अगर बीटा की हम बात करें तो ये आ जाएगा लेमड़ा बाई अल्फा, ये आना चाहिए आंसर। किसने तो आंसर क्या दिया इसका, बी ऑप्शन आ रहा मेरे तो, अगर दोनों के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। और एक मिनट इसका चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी शीट में दिया हुआ है इसका आंसर, हमारी शीट का क्वेश्चन है यार, ये मैं बताता हूँ देखो उसमें क्या दिया है इन्होंने, अभी पता चल जाएगा आंसर का। मेरा आंसर तो लैम्ब्डा बाय अल्फा है, वे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
देखो एक मिनट, कहीं तो दिया यार क्वेश्चन, मैंने किया भाई क्योंकि एचएलपी में दिया हो पता नहीं यार इसका आंसर, ये तो नहीं लग रहा मुझे, लेमडा बाई अल्फा ही लग रहा है, इसमें कहाँ ढूंढेंगे इसको सर, पीछे आंसर लैम्डा बाई टू अल्फा दिया है, तो लैम्डा बाय 12 आएगा कैसे ये तो बताओ मुझे, जब वो कह रहा है कि दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो वहां से मैंने ये निकाल लिया डी बाई डी, वो तो ये मिल रहा है मुझे, गलत लग रहा है ना, इसलिए तो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उसको, कंफर्म करना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुके, इसका आंसर ये सही है, वो इस आपके मतलब हो सकता है इस शीट में लेकिन मैं वो पुराने वाली शीट है उसमें क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर बीटा ही, वो ये बीटा लैम्डा बाय अल्फा ही, गलत दिया उसने वो। ओके तो इस तरह से करेंगे, और कौन सा बताना है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में क्या कह रहा है, देखो ये दिस क्वेश्चन हैज पैराग्राफ फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स, आफ्टर द स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट्स, क्या क्या दिया भाई इसने, डिस्क्राइब अ थिन एयर फिल्म इज फॉर्मड बाय पुटिंग द कॉन्वेक्स सरफेस of a plain convex lens over a plain glass plate. Thin air film is formed by putting a convex surface of a plain convex lens over a plain glass plate with
monochromatic light. This film gives an interference pattern due to light reflected from the top convex surface and the bottom glass plate surface of the film. ये वही, ये तो बताया दिया था ना मैंने, याद आ रहा है? ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था. कौन सा? न्यूटन्स रिंग वाला क्वेश्चन है. तो इंटरफेरेंस यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि एयर, एयर कहाँ है? एयर तो इनके बीच में है ना, यहाँ ये यही तो एयर है. ये क्या है? एयर है. तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में, तो पहला स्टेटमेंट सही तो हो रहा है. क्या कह रहा है देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थिन एयर फिल्म इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस ओवर अ ग्लास प्लेन ग्लास प्लेट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट. दिस फिल्म गिव्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप कॉन्वेक्स सरफेस. यानी ये कॉन्वेक्स सरफेस एंड द बॉटम ग्लास प्लेट सरफेस ऑफ द फिल्म. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. When light reflects from the air glass plate interface, the reflected wave suffers a phase of change of pi. है ना? अच्छा, ऐसा दिया है. ठीक है, ठीक है. तो खैर उसने दे ही रखा है, वो तो बता ही रहा. वो तो क्वेश्चन, अच्छा स्टेटमेंट तो बाद में दिए है. ठीक है, ठीक है. तो टिल गिव्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप कॉन्वेक्स सरफेस एंड द बॉटम ग्लास प्लेट सरफेस ऑफ द फिल्म. है ना? यानी फिल्म जो बन रही है इसका ये अपर सरफेस ये हो गया, टॉप सरफेस, और लोअर सरफेस ये हो गया. क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है? व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द एयर ग्लास प्लेट interface, the reflected wave suffers a phase change of pi. ये भी सही है, बिल्कुल. क्योंकि यहां से देखो, इसने कहा air, यानी इसका मतलब light आएगी यहाँ, है ना? ये light आई मान लो यहाँ, तो एक तो यहाँ से reflection हो रहा है, दूसरा तो यहाँ से तो air, क्योंकि ये तो air medium है, तो pi का phase change होगा नहीं. लेकिन यहाँ देखो air glass की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब reflection होगा इसमें लैम्डा बाई टू का क्या होगा? पार डिफरेंस सेट हो जाएगा, मतलब पाइक का फेस चेंज हो गया. ये मतलब है यहाँ, तो ये तो सही है. द सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज डार्क. ये भी सही है, ये भी बताया था आपको, क्योंकि यहाँ थिन फिल्म बनेगी ना, तो यहाँ क्या मिलेगी आपको? डार्क ऐसे मिलेगा, डार्क एक स्पॉट मिलेगा, उसके बाद में ऐसे रिंग नजर आएगी अपने को. ये भी सही है ना? अब देखो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ये कह रहा है कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई बाई टू, मतलब लैम्बडा बाई टू का पाथ ऐड हो रहा है या पाई का फेस चेंज हो रहा है, तो ये और इसका क्या कोई लेना देना थोड़ी है यहाँ. अरे बसन में तो दो सेपरेट कॉन्सेप्ट है ना. क्लियर भाई? हाँ सर. हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, और स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. ये भी सही है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डार्क स्पॉट क्या रीजन बताया था मैंने? डार्क स्पॉट तो ये रीजन बताया था कि जो थिकनेस है, क्योंकि देखो वहां बेसिक पे जाके भाई ऐसे लिया था, जो थिकनेस है वो क्या था? डी था. तो डी को हमने क्या किया था? टेंस टू जीरो किया था, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को मिला था. तो सही है, ऐसे करना. ठीक है, बाकी का 13, 14, 15 हो गया. किया नहीं या हुआ नहीं? हो गया.
हाँ तो कर लो, फिर करेंगे उसको डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। तो पहले इलास्टिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो जब भी किसी भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, उस बॉडी को क्या करता है? वो डिफॉर्म करता है। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या होगा? मान लो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी अपनी शेप वो चेंज करती है या साइज चेंज करती है मान लो। लेकिन जैसे आप फोर्स को रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी शेप में वापस आ जाती है, यानी शेप रिगेन कर लेती है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपनी शेप रिगेन कर पा रही है उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। हरी भाषण में उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है एक्चुअली? लेकिन इसके पहले और भी चीजें, चलो वो भी पढ़ेंगे साथ में। चलो प्लास्टिसिटी क्या होती है उसके बारे में, चलो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी। फिर हम लोग बात करेंगे इलास्टिक बॉडी के बारे में, फिर प्लास्टिक बॉडी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले इलास्टिसिटी क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इट इज द property of a body due to which after removing the deforming force, body regains its shape and size. Okay. Shape and size. ओके तो अब यहाँ बॉडीज को भी क्लासिफाई किया गया है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं मैं। जैसे अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब यानी वो ये इस बॉडी की, मैं उस बॉडी की बात कर रहा हूँ जो कि एकदम आइडियल बॉडी है। यानी ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बॉडी पर फोर्स लगाओ और उसमें डिफॉर्मेशन ना हो। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पहली बात एग्जिस्ट करती नहीं है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। इट इज द आइडियल कॉन्सेप्ट। तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि बॉडी की जो शेप और साइज है ना वापस रिगेन हो जाती है। कैसे? जैसे यहां से एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये वॉल है और ये सरफेस है, मान लो एक ब्लॉक है यहाँ, को आदमी मान लो पुश कर रहा है, पुश कर रहा मतलब फोर्स लगा रहा है तो आप देखोगे कि इस बॉडी में डिफॉर्मेशन मान लो यहां तक हो जाता है।
और ये आदमी इस पर फोर्स लगा ही रहा है। तो आप देखो कि अभी इसने फोर्स इसके ऊपर लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसने लगाया जो कि एक्सटर्नल फोर्स एफ है। जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करोगे तो ये तो आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ये डिफॉर्मेशन आ गया। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होगा कि आफ्टर रिमूविंग, मान लो इसकी जो लेंथ थी ये एल थी, तो आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स आप देखोगे इस बॉडी की शेप वापस से रिगेन हो जाती है। शेप और साइज, मतलब शेप तो वही बनी हुई है, वैसे तो शेप भी चेंज कर ली थी हमने। मान लो पहले ये क्यूब क्यूब था तो क्यूबॉइड बना दिया, या क्यूबॉइड था तो क्यूब बना दिया हमने, तो शेप भी चेंज हो गई और साइज भी चेंज कर दी। लेकिन जैसे फोर्स को रिमूव किया तो वापस अपनी शेप में आ गया, यानी इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर मैं दूसरा पॉइंट इसका लिखवा दूंगा। ये फिगर एक साथ ही नीचे बना लीजिएगा आप इसके साथ ही, है ना, ये तीनों पार्ट है इसके, ये ए, ये बी और ये सी। पहले ये वर्टिकल में बना लो तीनों को। लिख लिया? हाँ सर। तो ये रिमूव कर दूँ ना मैं, सी पार्ट भी रिमूव कर दूँ ना सब? भाई सामने लिख लिया ना? हाँ सर। यस सर। तो ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, after removing the deforming force body comes its original shape and size। और तीसरा पॉइंट है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये लिख लीजिए। ओके, लिख लिया?
नेक्स्ट हमारे पास में परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ये भी एक आइडियल केस है। दूसरा, आफ्टर, एक मिनट यार थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ये डिस्चार्ज हो गया। अच्छा आप लोगों को वो मिला है क्या, क्या बोलते हैं, डीपीपी मिल गई क्या अभी, रिवीजन डीपीपीस? नहीं सर। कब का बताया आपको टाइम, कब से स्टार्ट करने को बोला था? 21 से बोला था ना? हाँ बोलिए। ऐसा कुछ बोला नहीं था। अच्छा अभी बोला नहीं, ठीक है। इस वीक में मिल जाएगी आपको डीपीपी, 8 डीपीपी है, हर एक में 75 क्वेश्चंस है, यानी पर सब्जेक्ट से 600 क्वेश्चन है, यानी टोटल 1800 क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और हो जाता है, कुछ टाइम लगेगा नहीं वैसे, क्योंकि वही जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन है, कुछ को थोड़े से लेंथी मिलेंगे, लेकिन बाकी एक एक के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे जैसे मल्टी ग्रेड क्वेश्चन होते वैसे बना दिए हैं, लेंथी लेंथी ऐसा नहीं है। दूसरा है कि क्या कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटर, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना रिवाइज के कैसे करोगे आप, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे है ना, वहां से रिवाइज करना है और क्या। हाँ कोशिश तो ये है कि कर लो तो अच्छा ही है, एक बार कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसा तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि फेब अटेम्प्ट ही होना चाहिए तभी बात बनेगी, ऐसा कुछ नहीं, दो अटेम्प्ट अच्छे से दे सकते हो, चार है ना, लास्ट के दो बेस्ट अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब मेहनत करके उसको अच्छे से दीजिएगा, टाइम भी रहेगा, हड़बड़ाहट में मत जाइएगा। लेकिन ये कि मैंने मुझे फेब वाला अटेम्प्ट अच्छे से करना है, पता चला ही नहीं इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो अपना बेस्ट करो लेकिन हड़बड़ाहट के साथ नहीं, पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि सफिशिएंट अटेम्प्ट है इस बार। तो दूसरा है कि क्या होगा इस केस में, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो आफ्टर रिमूविंग द deforming force after removing the deforming force body does not regain its shape and size, यानी इसमें आप देखोगे completely deformation होगा। तो क्या होगा इसमें, एक्चुअली मान लो ये वॉल है और एक ब्लॉक मान लो यहाँ है और ये आदमी यहाँ है इसको पुश कर रहा है, तो जब ये फोर्स इस पर अप्लाई करेगा तो मान लो इसमें डिफॉर्मेशन होके यहाँ चला जाता है,
तो ये आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जैसे यहां फोर्स को रिमूव करेंगे तो आप देखोगे इसमें ये परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, ये अपनी शेप रिगेन ही नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो वैसे तो क्ले, उस क्ले जो होता है ना वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक बॉडी होता है, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट क्या होता है कि अपनी शेप रिगेन करता है ना, कुछ पार्ट, लेकिन काफी हद तक वो क्ले जो होता है क्या होता है कि प्लास्टिक होता है। उसी तरह से पैराफिन वैक्स जो होता है, लेकिन कंप्लीटली यानी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं कह सकते, उसमें भी कुछ तो रहेगा ही कि कुछ क्या होगा, कुछ तो इसमें शेप मतलब बॉडी रिगेन करेगी करेगी, लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में ऐसा नहीं होगा। जो डिफॉर्मेशन एक बार हो गया वो परमानेंटली क्रिएट हो जाएगा उसमें। और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम एनर्जी लॉस। इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, ठीक, क्योंकि हमने जब इस पर इसको पुश किया तो हमने वर्क किया, तो वर्क किया तो इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमने जो वर्क किया वो दरअसल उसमें जाके स्टोर हो गया वो, है ना, लेकिन वापस रिगेन होना चाहिए था, लेकिन वो इसका मतलब है कि वो जो हमने वर्क किया वो वहां से डिसिपेट हो चुका है, डिसिपेट हो गया, इसलिए वो शेप जो है बॉडी का वो रिगेन नहीं हो पा रहा है, यानी ओरिजिनल शेप में वो बॉडी नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो हमने वर्क किया था वो एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो तो डिसिपेट हो चुकी है। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में हमेशा मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है, लिख लो इसको। और एक होता पार्शली इलास्टिक या पार्शली प्लास्टिक, उसमें कुछ हद तक बॉडी क्या करेगी, रिगेन करेगी अपनी शेप, लिख लो इसको, वो भी लिखवा देता हूं मैं। इसमें मैंने कहा ना एनर्जी लॉस हो गया, तो एनर्जी तो वैसे अगर जो डिसिपेट हुई एनर्जी को भी काउंट करोगे तब तो एनर्जी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी, लेकिन अगर डिसिपेट होगी वो एटमॉस्फेयर में चली गई तब थोड़ी कमजोर रहेगी एनर्जी। लिख लिया? अच्छा। नेक्स्ट है पार्शली इलास्टिक और पार्शली प्लास्टिक। तो ये दरअसल जो कि ये आइडियल केस नहीं है, ये तो ये है कि जो डेली लाइफ हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर
आफ्टर रिमूविंग दी डिफॉर्मिंग फोर्स After removing the deforming force, body regains its shape and size at some extent. तो इसमें क्या होगा दरअसल, और सम एनर्जी इज डिसिपेटेड, मान लो जैसे कि ये बॉडी है, ये वॉल है, ये आदमी इसको पुश करता है, मान लो इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन अगर इस फोर्स को इसने रिमूव कर दिया तो क्या होगा इसमें, ये कंप्लीटली यहां तक तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक ये बॉडी अपनी शेप रिगेन कर लेगी। तो ये हो गया आफ्टर रिमूविंग the deforming force, ठीक है लिख लो इसका। हाँ सो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में यहाँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। हम बात करेंगे देखो यहाँ स्ट्रेस के बारे में। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी का कॉज क्या है, है ना, इलास्टिसिटी का कॉज क्या, यानी कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। होता क्या है, मान लो जैसे कि कोई रोड है, और हमने मान लो यहां फोर्स अप्लाई किया एफ फोर्स, तो
तो फोर्स अप्लाई नहीं करने के पहले इस बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बंधे हुए हैं, यानी ऐसे बॉन्ड बने होंगे इनके बीच में, है ना। तो हर मॉलिक्यूल हर एटम क्या है, इक्विलिब्रियम पर रहता है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करता, उनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन आता है ना। डिफॉर्मेशन आने की वजह से हर मॉलिक्यूल का अपना जो इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, या तो उनके बीच के डिस्टेंस डिक्रीज करेगी या उनके बीच के डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। तो इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से यहाँ क्या होता है, इनके बीच में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो जैसे इस फोर्स को रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, वापस से मॉलिक्यूल को अपने इक्विलिब्रियम पर ले आता है, ठीक है। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से ही इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन की बात नहीं करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग बात की जाती है। यानी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहां भी स्ट्रेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लिख लो फिर बताता हूं मैं आपको। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो तीन तरह के स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। एक है लॉन्गिट्यूडनल, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरह की होती है, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस। दूसरी यहां शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरी जो होती है वो होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है। टेंसाइल कैसे हो सकती है कि अगर मान लो जैसे कि ये रॉड है,
और अगर मान लो इस रॉड पर हमने फोर्स जो है अगर ऐसे लगाया है तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा यानी लेंथ इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, यानी जो स्ट्रेस इस केस में डेवलप होगी। अच्छा इसी को आप ये फिगर भी तो बना सकते हो ना, इसका एबीडी बनाओगे तो ये अगर बॉडी रुकी हुई तो इधर भी एफ डेवलप हो रहा है, तो इधर भी एफ डेवलप हो रहा है, तो यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि टू एफ फोर्स है, नहीं एफ ही फोर्स माना जाएगा। यानी इसके हर पॉइंट पर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वैसे तो एफ के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है ना, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। यहाँ भले वो टी जो है वो एफ के इक्वल आ जाएगा, वो अलग केस है क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ डेवलप होगा वो टेंशन फोर्स डेवलप होगा। उसकी वजह से जब इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी वापस अपनी शेप में आ जाएगी, है ना। तो दोनों फिगर एक ही ध्यान रखना है, कौन कौन सा फिगर, ये फिगर और ये फिगर। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये तो ये इसको लिखेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो जब एक्सटेंशन होगा तो बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसलिए दोनों को कम, और कंप्रेशनल का मतलब क्या होगा, जब फोर्स इसको इधर लगाएंगे लेफ्ट साइड में इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, उसको बोल कंप्रेशनल स्ट्रेस, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही बोल दो, अच्छा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू होगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या ऐसे याद रखो, कौन सा एरिया लेना है यहाँ, ये वाला एरिया लेना है, कौन सा, ये वाला एरिया, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, ये वाला एरिया लेना है। तो ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, ये फोर्स है, यानी इसलिए मैंने यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन लिख लिया। तो ध्यान रखना है कौन सा एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है। या ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया विच इज क्या लिखेंगे इसको, मेरे कहने का मतलब समझ में आना चाहिए आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी आप लोगे रॉड उसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाला एरिया कंसिडर करना है, ये वाला एरिया कंसिडर करना है। लिख लिया भाई, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी इसमें जो स्ट्रेस होगा वो जाएगा एफ बाई ए, है ना, तो ये होगा दरअसल लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेस। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में जैसे दो फिगर बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो जैसे कि ये कोई बॉक्स है, है ना, और इसको हमने यहां फिक्स किया हुआ है, यानी ये इस तरह से, और यहाँ हम लोग फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन ऐसे क्रिएट होगा है। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है और फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, है ना, तो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस लिखेंगे। अच्छा, इसी फिगर को आप ऐसे बना सकते हो, मतलब इसी फिगर को आप ऐसे बना सकते हो, इधर एफ है और इधर भी एफ ही हो रहा है क्योंकि बॉडी तो रुकी हुई है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। तो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेस होगा टेंजेंशियल फोर्स या फोर्स अलोंग द सरफेस, फोर्स अलोंग द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। अब इस केस में फोर्स जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, आगे सुन में, फोर्स अलोंग द सरफेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस है, इसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। लिख लीजिए सर, एक मिनट, सर एक मिनट,
नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे कि ये एक कंटेनर है, और इसमें मान लो कोई बॉडी है और ये लिक्विड है। मान लो यहाँ लिक्विड के अंदर ये बॉडी है, तो हर साइड से क्या होगा, यहाँ फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी को, तो पहले ये बॉडी मान लो बाहर थी, तो अंदर जाने के बाद फोर्स आने की वजह से क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की हम लोग बात करेंगे, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, पी इंटू डेल्टा मतलब एफ सॉरी यहाँ पी इंटू डेल्टा है, ये फोर्स होगा है ना, यहाँ भी पी इंटू डेल्टा है ना, स्मॉल स्मॉल करके यहाँ क्या होगा, ये फोर्स इस पर लग रहा होगा है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करेंगे वो क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में ये प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली इसको किसके इक्वल लिखेंगे हम लोग, डेल्टा पी के इक्वल लिखेंगे, किसके इक्वल लिख देंगे, डेल्टा पी, क्योंकि यहाँ मान लो जैसे प्रेशर पी नॉट था, बाद में वहां प्रेशर पी हो गया, तो प्रेशर कितना चेंज हुआ, तो अल्टीमेटली जैसे पी माइनस पी नॉट है ना, ये हम लोग बात करेंगे। सर लिख लिया, लिख लिया ना, हाँ सर, अब नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी जो है रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तभी हम लोग स्ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ स्ट्रेन को डिफाइन किया गया है, स्ट्रेन इक्वल टू है चेंज इन कॉन्फिगरेशन
डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल को भी दो पार्ट में, टेंसाइल और कंप्रेशनल, मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लिख लिया? हाँ सर। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इसमें क्या होगा, मान लो ये रॉड है, और इसकी लेंथ ये एल है, मान लो इनिशियल हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ इंक्रीज होके हो गई है एल प्लस डेल्टा एल। तो यहां जो स्ट्रेन डेवलप होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी डेल्टा एल बाय ओरिजिनल, तो डेल्टा एल बाय एल यानी फाइनल चेंज इन लेंथ, यानी इसमें आ जाएगा एक तरह से चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेन कैसे देखेंगे, हमने यहाँ फोर्स एफ लगाया है, यहाँ ये फिक्स है, इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है मान लो, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा, देखो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा एफ, उतना है फोर्स इसको इधर लग रहा है एफ, और इसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है इसे, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या कहता है, शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, तो यानी इसमें डिफॉर्मेशन यहाँ से हटके इधर चला गया x, है ना, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है h, शेयरिंग स्ट्रेन यहाँ होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेसेस
of these surfaces divided by distance between the surfaces. ठीक है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं यहां लिखूं इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू यानी x बाई एच, या इसको चाहो तो आप टेन थीटा भी ले सकते हो, और अगर थीटा स्मॉल है तो इसको मतलब काफी ये भी ले सकते हो, है ना? तो व्हेन थीटा इज स्मॉल तो आप टेन थीटा को थीटा भी ले सकते हो, ये लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट सर। इन दोनों बीच, दोनों सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस यहाँ एच है, और इनका रिलेटिव सेपरेशन देखा हमने, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखा एक तरह से, ये एंगल थीटा है। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, जैसे कोई बॉडी था, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, हमने इसको लिक्विड के अंदर रखा, तो ये बॉडी इस तरह से थी, लेकिन फोर्स लिक्विड की वजह से, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस डेल्टा भी होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी बाय वी। तो वे ऑप्टिक्स का वो बाकी क्वेश्चन जो है वो कर लो, वो मैं डिस्कस करूंगा, आज इतना ही करेंगे।